नमस्कार, नेशन अपडेट डॉट इन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। कोरोना वायरस के महामारी से बचने पूरे देश भर में लॉकडाउन किया गया है। वहीं शासन प्रशासन लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने की अपील भी कर रहे हैं। वहीं लॉकडाउन से गरीबों के सामने पेट की भूख मिटाने की समस्या उत्पन्न हो गई है। घर पर काम कर रहे मजदूरों को कार्य से बाहर आने जाने पर रोक लगा हुआ है, तो वहीं बड़े पैमाने पर मनरेगा के तहत सैकड़ों मजदूर झुंड में कार्य कर रहे हैं, जो लॉकडाउन सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर पा रहे, जिससे खतरा बढ़ने से इनकार नहीं किया जा सकता है। वहीं प्रदेश के अलग अलग हिस्सों पर शासन प्रशासन गरीबों की भूख मिटाने हर संभव प्रयास कर रही है, जो ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। पटवारी ने सर्वे कर गरीब परिवारों को चिन्हांकित कर सूची नगर पंचायत को सौंपा, जिसके आधार पर प्रतिदिन 200 गरीब परिवार को राशन सामग्री उपलब्ध कराया जा रहा है। नगर में कई स्वयंसेवी संस्था के द्वारा भी लगातार जरूरतमंदों तक सामग्री पहुंचाई जा रही है। कोरोना की इस लड़ाई में गरीबों को राशन उपलब्ध कराने में व्यापारियों का विशेष सहयोग है। नगर पंचायत लोरमी जन सहयोग से गरीबों को राशन उपलब्ध करा पा रहे हैं, क्योंकि नगर पंचायत के पास राहत आपदा प्रबंधन के लिए कोई फंड नहीं है। वहीं गरीब के हित में कार्य कर रही समाज सेवी संस्था को बंद कराए जाने की बात भी सामने आ रही है। गरीब के मदद करने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रहे हैं। पीएम के माध्यम से जनधन योजना के तहत सभी महिलाओं के खाते में 500 रुपए की राशि भेज रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों के खाते में 2000 रुपए जमा कराया गया है। उज्ज्वला योजना से लाभार्थियों को मुफ्त में 3 माह तक गैस सिलेंडर देने की बात कही जा रही है, लेकिन महज 500 रुपए के कारण जान जोखिम में डालकर खाते से पैसा निकालने लोग बैंकों में भीड़ लगा रहे हैं। सभी बैंकों व शाखाओं में सोशल डिस्टेंसिंग लॉकडाउन का पालन नहीं करा रहे हैं, जिससे संक्रमण बढ़ने का खतरा बना हुआ है। ऐसे में आखिर कैसे करेंगे लोग सामाजिक दूरी का पालन, यह एक बड़ा सवाल है। 150 से 200 लोगों का चिन्हांकित किया गया है पटवारी के माध्यम से। घर घर जाके उन लोगों की जरूरत के हिसाब से चिन्हांकित किया गया है और उन लोगों को कंटिन्यू जरूरत के हिसाब से उन लोगों को राशन सामग्री वितरण किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और किसानों को 1 मीटर की दूरी में सर्कल में मतलब बोला गया है और सर्कल बना दिया गया है और लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन किसानों के द्वारा और हमारे द्वारा किया जा रहा है। और जो भीड़ लगी है वो अभी शासन की योजना किसानों तक पहुंचाना है, उसके लिए पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 1766 किसानों को राशि आया है उनके खाते में, तो उसी भुगतान के लिए भीड़ लगी है। कोर्ट पे जो आज कोरोना का भयानक वायरस का जो प्रकोप चल रहा है, जिसके चलते प्रधानमंत्री पीएम द्वारा 500 रुपये जो डाला गया है उसको देने के लिए सभी ग्राहकों को सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए हम लोग यहाँ पे वितरण कर रहे हैं बैंकों के माध्यम से। प्रतिदिन हमारे यहाँ लगभग 60 कस्टमर आ जाते हैं जी। बिल्कुल सोशल डिस्टेंस का पालन हो रहा है यहाँ और जो 3 से 4 बजे तक खोलते हैं या ग्राहक की जैसे जैसे उपलब्ध रहता है इस तरह से खोलते हैं, जैसे ग्राहक नहीं रहता तो क्लोज कर देते हैं। कोरोना वायरस का कहर अभी भी जारी है, ऐसे में नेशन अपडेट की टीम बार बार आपसे अपील करती है, आप घर में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि आपकी सुरक्षा ही आपकी जिम्मेदारी है। तो अभी के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और इसी प्रकार के लेटेस्ट और रोचक खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ nationupdate.in में। और हाँ, आप खबरों से हर पल अपडेट रहने के लिए गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं nationupdate.in का ऐप। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल nationupdate.in।